Hello friends, welcome back to Fab Foodies. Today we are going to make a super delicious pasta, that is mango pasta. It is super easy to make and I'm sure your kids will love this. So let's get started. First of all, we start boiling our pastas, macaroni. Iske liye maine ek pan mein thoda sa pani liya hai aur ise hum boil karenge. Jaise hi pani boil hona start ho jata hai, to hum iske andar macaroni dalenge. यहाँ पे मैंने व्हीट मैक्रोनी ली है, आप कोई भी ले सकते हैं, सेमोलिना या मैदा. अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर इसे हम उबलने देंगे, बॉयल होने देंगे और इसे हम इस तरीके से हाफ़ कवर करेंगे. अगर आप पूरा कवर करोगे तो ये पूरा बाहर आएगा, इसलिए इसे इसी तरीके से हाफ़ कवर करके 5 to 6 मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे. अब हम चेक करते हैं, हमारी मैक्रोनीज ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, बॉयल हो चुकी है. आप इस तरीके से उसे स्पून में लेके चेक कीजिए नाइफ से. अगर ये इजीली कट हो जाती है दैट मीन्स कि ये बॉयल हो चुकी है. अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे और इसके नीचे मैंने इस तरीके से वेसल रखा है और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे ताकि सारा एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए. अब हम इसके ऊपर से एक ग्लास ठंडा पानी ऐड करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए और फिर 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए. आप देख सकती हैं ये बहुत ही अच्छे से कुक हुई है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है. अब हम सॉस बनाएंगे. इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो पल्प लिया है. मैंने यहाँ पे अल्फेंजो मैंगो लिया है, आप कोई भी अल्फेंजो या केसर कोई भी मैंगो ले सकते हैं. और इसके अंदर मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है. अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, फिर हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे. मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं. और इसे मिक्स कर देंगे. अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून. ये मैंने एगलेस मेयोनीज लिया है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर. फिर यहाँ पे हम मैंगो एसेंस ऐड करेंगे. यहाँ पे मैंने राइप मैंगो एसेंस यूज़ किया है, बट ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऐड किए हैं. और फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे. तो मैंने यहाँ पे सर्विंग बाउल में निकाल दिया है, तो हम अब इसे थोड़ा सा चीज़ ऊपर से ग्रेट करके गार्निश करेंगे और थोड़ी से मैंगो स्लाइसेस रख देंगे. सो आपके यहाँ सुपर यमी मैंगो पास्ता इज़ रेडी टू सर्व. आई होप योर किड्स विल लव दिस रेसिपी. डू ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अस इन द कमेंट बॉक्स बिलो. एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.